रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग, गिव मी अ लुक, तो गिव मी अ लुक गाइस, आखिर तक इस वीडियो को देखना क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास आप सभी लोगों के लिए हैं इतने सारे प्यारे से, वाइब्रेंट से, खूबसूरत से, ट्रेंडी से टॉप्स, तो आखिर तक देखना इस वीडियो को, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो दिस इज नॉट व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग अबाउट। एक ब्लिंकिट हॉल नहीं है ये, हालांकि मैंने सामान ब्लिंकिट के पैकेट में रखा है, ब्लिंकिट का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, आई विश की होता। तो मैंने क्या सामान रखा, हाँ मीशो का सामान रखा है, मीशो से मैंने टॉप्स मंगाए थे। व्हाई? बिकॉज आई लव परचेजिंग थिंग्स फ्रॉम मीशो। सो फॉर टुडेज वीडियो आई हैव हैंड पिक्ड, सॉरी ऑनलाइन पिक्ड 8 टॉप्स फॉर यू गाइस। टॉप्स क्यों लिए मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द मॉडर्न वुमेन हैव टॉप्स इन देयर क्लोजेट। टॉप्स एक ऐसा क्लोथिंग पीस होता है अकॉर्डिंग टू मी जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, साथ ही साथ वर्सेटाइल भी होता है। बींग अ लेडी अगर मैं बात करूँ, बींग अ गर्ल अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे कहीं बाहर जाना है या फिर मार्केट जाना है, तो मैं क्या करती हूँ, टॉप पहन लेती हूँ, नीचे से जीन्स पहन लेती हूँ, एंड आई एम गुड टू गो। वेराइटीज की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि इतनी ज्यादा वेरायटी मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अगर आप देखो तो इतनी ज्यादा वेरायटी आपको मिलेगी कि ये कभी कभी ओवरवेलमिंग हो सकता है हम सभी लोगों के लिए किसी एक परफेक्ट टॉप को चूज करना। तो मैंने अपने सर ये जिम्मा उठाया और 8 टॉप्स मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो काफी ज्यादा एक अफोर्डेबल हैं, 2 समर फ्रेंडली हैं, तीसरा स्टाइलिश भी हैं, चौथा ट्रेंडी तो है ही है। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। आई एम पूजा जैन थापा एंड आई मेक वीडियोस ऑन फैशन, क्लोथिंग, हॉल लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर अफोर्डेबल फैशन अपडेट्स एंड एक्साइटिंग हॉल वीडियोस। सब्सक्राइब नाउ एंड नेवर मिस आउट ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड स्टाइलिंग आइडियाज। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो और आप सभी लोगों को दिखाऊं मेरे पास कौन कौन से टॉप्स हैं। तो मेरे पास जो सबसे पहला टॉप है वो ये है, एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा था 286 रुपीज। एंड अगर मैं इस सीजन की बात करूं तो दिस सीजन इट्स टाइम टू डिच एकदम न्यूट्रल और बोरिंग कलर। एंड मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक ऐसा वाइब्रेंट कलर अपने लिए चूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल भी फील करें और फैशनेबल भी फील करें। तो मैंने अपने लिए ऑरेंज कलर चूज किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑरेंज कलर में ना मैं थोड़ा सा ठीक दिखती हूँ। टॉप मेरे पास ऐसा कुछ है। इस टॉप की अगर इन पर्टिकुलर बात करूं तो ये टॉप एकदम प्योर कॉटन से बना हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसका जो मटेरियल है काफी ज्यादा अच्छा है। एंड थोड़ा कितने फोन बजेगा यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। साइलेंट कर दूं सबसे पहले। सो आप ये टॉप का मटेरियल देख सकते हैं, कम्प्लीटली सी थ्रू है, बट इसके अंदर से अगर आप स्पेगेटी पहनोगे तो चल जाएगा। एंड इसमें अगर आप देखो तो ऐसे ना ऐसा व्हाइट कलर का ऐसे डिजाइन दे रखा है, तो ये कम्प्लीट आपको ऑरेंज सॉलिड कलर नहीं दिखाई देगा, ये इसमें व्हाइट कलर के ऐसे थ्रेड वर्क दे रखा है। ऑल्सो इसके जो स्लीव्स हैं काफी ज्यादा अच्छे हैं, बलून स्लीव्स हैं, यहाँ पे कोई ऐसे बटन की डिटेलिंग दे रखी है, 2 बटन ऐसे दे रखे हैं, तो काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। नेक लाइन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी बिकॉज इट इज अ प्रॉपर स्क्वायर नेक लाइन, और जो स्क्वायर नेक लाइन है वो मेरी बॉडी पे, क्योंकि आई एम वेरी हैवी बस्टेड, तो मेरी बॉडी पे स्क्वायर नेक लाइन वाले जितने भी टॉप्स होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। आगे से ना इन्होंने मेरा नाखून फंस रहा है इस टॉप में, आगे से ना, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे नाखून को क्या हो गया, इसको काटना ही पड़ेगा। ठीक, तो आगे से ना इसमें इन्होंने ऐसे बटन्स की डिटेलिंग भी दे रखी है, तो आप इस टॉप को आप चाहो तो ऐसे पहन सकते हो कि पूरा कंप्लीट एज अ टॉप पहन लिया, और दूसरा आप चाहो तो इसका बटन खोल के भी अंदर से स्पेगेटी डाल ली, काफी ज्यादा प्रिटी ये लगेगा। ओवरऑल अगर मैं इस टॉप की बात करूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, फिट वाइज भी अच्छा था, प्राइस काफी ज्यादा सही था, 286 रुपीज, अफोर्डेबल है, समर फ्रेंडली भी है क्योंकि ये प्योर कॉटन से बना हुआ है। सो ये जो टॉप है ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो आप सभी लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई थिंक दिस इज द टाइम कि आप एक वाइब्रेंट कलर अपने लिए चूज करें इस सीजन और देखें कि ये कैसे आपके वार्डरोब को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख के अपने लिए एक वाइब्रेंट कलर को चूज करते हैं, एक वाइब्रेंट कलर का टॉप या फिर ड्रेस भी लेते हैं, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम में मेंशन कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pooja_jangthapa। सो हाँ, फटाफट से दिखाती हूँ मेरे पास दूसरा टॉप कौन सा है। सो नेक्स्ट जो मेरे पास टॉप है वो है स्पाइडर टॉप, और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 199। मैं स्पाइडर टॉप क्यों कह रही हूँ इसको, क्योंकि इसमें ना बीच में एक ऐसे स्पाइडर का ऐसे स्टिकर इन लोगों ने चिपका रखा है। फटाफट से दिखाती हूँ कैसा है टॉप। तो द टॉप इज समथिंग लाइक दिस। ये ना थोड़ा सा क्रीपी तो लग रहा था इनिशियली मुझे, बट थोड़ा सा अलग था तो मैंने इसको मंगा लिया, पहनने के बाद देखा तो ठीक लग रहा था। एंड ये जो टॉप है ये एक प्रॉपर कोल्ड शोल्डर टॉप है। कोल्ड शोल्डर टॉप्स ऐसे टॉप्स होते हैं जो आपके मोस्ट ऑफ द एरिया को, यानी आपका शोल्डर एरिया और जो आपका हैंड वाला एरिया है, मोस्ट ऑफ द एरिया को ये कवर कर देता है, एंड यहाँ पे को हल्का सा थोड़ा सा नेकेड पोर्शन छोड़ देता है, जो काफी ज्यादा प्रिटी लगता है। और इस तरीके की टॉप अगर आप देखो तो जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है या फिर जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती है उनमें काफी ज्यादा पॉपुलर है। मेरी उम्र के हिसाब से
मुझे ऐसा टॉप नहीं पहनना चाहिए, लोग मुझसे ऐसा बोलेंगे, बट आई डोंट केयर कि लोग क्या बोलते हैं। तो हम मुझे अच्छा लगा, ये मुझे प्यारा लगा तो मैंने मंगा लिया अपने लिए। अगर मैं बात करूँ इस टॉप की तो प्रॉपर रिब्ड मटेरियल है एंड समर अप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि ना ये ऐसा है, कैसे बोलते हैं, बहुत एरी टाइप का है, इससे ना हवा आएगी, यहाँ से ना बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा हवा लगेगी तो हमको इतना ज्यादा गर्मी फील होगी नहीं। ऑल्सो अगर आप नेकलाइन की बात करें तो नेकलाइन ऐसा कम्प्लीटली पूरा राउंड नेक टाइप का है, राउंड नेक में ना ऐसे इन्होंने राउंड नेक को नॉर्मली नहीं दे रखा है, ऐसे पीको की डिटेलिंग दे रखी है ब्लैक कलर की। ग्रे कलर के कपड़े मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो स्लीव्स एकदम पूरा लॉन्ग स्लीव्स थे और मेरे ना यहाँ तक आ रहे थे, इस वाले पोर्शन तक आ रहे थे, तो मुझे ठीक लगा, लॉन्ग स्लीव्स हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्लीव्स हैं। एंड स्लीव्स के नीचे भी इन्होंने ऐसे पीको की डिटेलिंग दे रखी है, आप देख लोगे कि जो पूरा हेम लाइन है इसके हेम लाइन पे भी इन्होंने ऐसे पीको का डिटेलिंग दे रखा है, तो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। ऑल टोटल मुझे ये टॉप काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अगर मैं स्पाइडर की बात करूँ तो ये स्पाइडर सीधा बीच में ना आके हल्का सा राइट साइड को आ, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, बट कोई नहीं, तक क्यूट लग रहा था। और ऊपर से 200 रुपए में अगर आपको ऐसा टॉप मिल रहा है तो नॉर्मल अगर कहीं आउटिंग वगैरह में जा रहे हैं तो इसको पहन सकते हैं, ठीक लगेगा। सो हाँ, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है क्योंकि फिटिंग वाइज काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वाकई में जब मैंने इसको पहना तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए बना हुआ है। तो यस, सेकंड टॉप ये था मेरे पास। एंड यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉप है इसका प्राइस मुझे पड़ा था 158 रुपीज एंड इट इज अ कैमी टॉप। एंड अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉप्स फॉर विमेन, कैमी टॉप्स मोस्ट सूटेबल एंड ये हमारे वार्डरोब में इतना स्टेबल होते हैं क्योंकि आप इनको जींस के साथ भी पहन सकते हो, आप इनको स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो, शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकते हो, ट्राउजर्स के साथ भी पहन सकते हो, एंड इसको आप लेयर अप करके भी पहन सकते हो। यानी आपने एक कैमी टॉप पहन लिया और ऊपर से आपने एक ऐसे शर्ट वगैरह डाल ली तो अच्छा लगता है। तो ये टॉप कुछ इस तरीके का है। एंड इसके अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है। ऑल्सो इसमें ना इन्होंने बहुत ही प्यारा सा ऐसे प्रिंट टाइप का दे रखा है, ऐसा लग रहा है कि ये टाई एंड डाई का पैटर्न है, बट इट इज नॉट टाई एंड डाई का पैटर्न, ये थोड़ा सा अलग ही पैटर्न है। इसमें आपको पर्पल कलर भी दिखेगा, हल्का सा पिंक कलर भी दिख रहा है एंड हल्का सा रेड कलर भी आपको दिखेगा। अगर नेकलाइन की बात करूँ तो नेकलाइन जो है इसका पूरा कंप्लीटली ब्रॉड नेकलाइन है। मैं ट्राई ऑन साइड में डाल दूंगी तो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस टॉप की तो मुझे ओवरऑल ये टॉप काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिटिंग वाइज भी सही था, प्राइस वाइज तो ठीक था ही, क्योंकि 158 रुपीज एंड 158 रुपीज में अगर आपको ऐसा टॉप मिल रहा है तो आई डोंट नो कि क्या ही चाहिए। सो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप। सो नेक्स्ट जो टॉप है इसका प्राइस मुझे पड़ा था 213 रुपए। और ये टॉप देखने के बाद आप ऐसा सोचोगे या आप ऐसा बोलोगे कि पागल वागल हो गई है क्या, क्योंकि ये टॉप देखने से ऐसा लग रहा है कि वुलन टॉप होगा, बट ये बिल्कुल वुलन टॉप नहीं है, एकदम समर अप्रोप्रिएट है। लेटेक्स का मटेरियल है, यानी स्पेंडेक्स का मटेरियल है, आप इसको लाइक्रा के नाम से भी जानते होगे, यानी काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है। ऐसे चेक टाइप की इसमें डिटेलिंग दे रखी है, नेकलाइन वी नेकलाइन है, कम्प्लीटली स्लीवलेस है, नीचे से इन्होंने ऐसे ब्लैक कलर का बॉर्डर दे रखा है। चेक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा चेक, काफी ज्यादा ये ना ट्रेंडी और ऐसे बोलो कि बहुत ज्यादा टीनेज टाइप की वाइब दे रहा था। मैंने इसको ब्लैक कलर की स्कर्ट के साथ पेयर अप किया था तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने टीनेज में वापस जा चुकी हूँ, हालांकि मैं टीनेज में नहीं हूँ, अब मैं बहुत ओल्ड हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पहनना चाहिए, बट कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये टॉप कुछ ऐसा है। कपड़ा इसका काफी ज्यादा सही है, आप ऐसा देख सकते हो कि ऐसे देखो इस तरीके का कपड़ा है, तो ठीक है, मुझे ठीक लगा। प्राइस वाइज जो है ये काफी ज्यादा सही मुझे लगा। एंड इस टॉप की अगर मैं बात करूँ तो एवरीथिंग इज जस्ट वंडरफुल अबाउट दिस टॉप, काफी ज्यादा ट्रेंडी, काफी ज्यादा स्टाइलिश है। एंड मैंने जितने भी सारे हॉल वीडियोज देखे मीशो के टॉप वेयर में तो मैंने ये टॉप नहीं देखा। तो हाँ, आप सभी लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्राई ऑन देख लीजिएगा, ट्राई ऑन कैसा लग रहा था मेरे ऊपर, आप उससे फिगर आउट कर सकते कि आपके ऊपर ही कैसा लगेगा। अभी तक की वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप। सो ये जो टॉप है मेरे पास इसका प्राइस मुझे पड़ा था 313 रुपीज, 313 रुपए। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉप तो वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल पीसेस ऑफ एनी मौसम, चाहे वो ठंडी हो चाहे सर्दी हो, ठंडी हो सर्दी हो बोला क्या मैंने, सॉरी, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ऑटम हो स्प्रिंग हो, कुछ भी चल रहा हो, पोलो नेक टॉप्स ना काफी ज्यादा वर्सेटाइल पीस होता है। एंड ये जो टॉप है ये समर अप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि पोलो नेक है, साथ ही साथ ये स्लीवलेस है, तो स्लीवलेस होने की वजह से ये जो टॉप है ये आपका समर अप्रोप्रिएट हो जा रहा है। फटाफट दिखाती हूँ मैं आप सभी लोगों को ये टॉप। सो द टॉप इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर आप मटेरियल की बात करो तो मटेरियल ना इसका थोड़ा सा मोटे साइड को है, मतलब इतना ज्यादा वैसा मटेरियल नहीं है, पतला मटेरियल नहीं है, थोड़ा सा मोटा मटेरियल है इसका। बट जब मैंने इस टॉप को पहन के देखा तो बिल्कुल भी मुझे गर्मी नहीं लगी, मुझे वाकई में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। आप देख रहे होगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे को हर यहाँ से ये बाल होके ना अंदर से भी मुझे पसीना आता है, तो मुझे काफी ज्यादा गर्मी लगती है, बट ये टॉप पहनने के बाद मुझे गर्मी नहीं लगी थी। तो हाँ, समर अप्रोप्रिएट है ये, इस तरीके का कुछ है, काफी ज्यादा शीक और सोफेस्टिकेटेड लग रहा है। अगेन इस टॉप को भी मैंने अपनी ब्लैक कलर की स्कर्ट के साथ, विच इज अ मिनी स्कर्ट जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैंने उसी के साथ पेयर किया था और वाकई में ऐसा
ऐसा लग रहा था कि मैं सच में अपने टीनेज में वापस जा चुकी हूँ, बट टीनेज में मैं हूँ नहीं। सो हाँ, तो ये इस तरीके का कुछ है टॉप। एंड हेम की साइड को ना इन्होंने ऐसे कम्प्लीटली व्हाइट कलर का ही बॉर्डर दे रखा है, तो मैंने इस टॉप का नाम रखा है व्हाइट एंड ब्लैक टॉप। क्योंकि जो मीशो के नाम क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या मीशो के नाम? क्योंकि मीशो में जो सेलर अपने टॉप्स को नाम देते ना, वो बहुत ही ज्यादा फनी होता है यार। बाय गॉड, प्राइस वाइज सही है, फिट वाइज सही है, तो हाँ इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप। ओके, सो ये जो टॉप है इसका प्राइस मुझे पड़ा था 257 रुपीज, एंड इसका मैंने नाम रखा है पर्पल कटआउट टॉप। एंड इफ यू गाइज लव ड्रामा, मतलब मैं फैशन की बात कर रही हूँ, मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, खैर मुझे पर्सनल लाइफ में भी ड्रामा पसंद है। तो इफ यू गाइज लव ड्रामा, तो ये जो टॉप है ना, दिस टॉप इज स्क्रीमिंग ड्रामा। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखो अगर आप इसका स्लीव्स देखो ना, तो ये देखो कितने ज्यादा ड्रामेटिक स्लीव्स हैं यार, एंड ऑल्सो ये काफी ज्यादा आई कैचिंग स्लीव्स भी हैं। तो सही है, अच्छा है, ये टॉप सही है मुझे लगा। यहाँ पे को अगर आप नेक की डिटेलिंग देखो तो ओ माय गॉड कितना ज्यादा प्यारा कटआउट दे रखा है इन्होंने, दैट टू इन द प्राइस 257 रुपीज। देख लो भाई ये देखो, देखो मतलब तो सही है, मुझे काफी ज्यादा सही है लगा। अगर शाम को कहीं बाहर जा रहे हैं या डिनर वगैरह के लिए कहीं जा रहे हैं, तो बहुत प्यारा सा इसके नीचे से ट्राउजर पहन लीजिए, या फिर स्कर्ट पहन लीजिए, या फिर जींस पहन लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, एंड यू आर गुड टू गो। आपको आप बहुत ही ज्यादा प्यारे लगोगे। ट्राई ऑन मैंने साइड में ऐड कर रखा, आप सभी लोग देख लीजिएगा कि कैसा लग रहा था। तो ओवरऑल ये जो टॉप है ये इस तरीके का कुछ है, आगे से बहुत ही ज्यादा प्यारा सा और पीछे से एकदम ऐसे इन्होंने बेसिक टाइप का दे रखा है, तो सही है, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे काफी ज्यादा अच्छा, काफी ज्यादा प्यारा सा ये टॉप लगा, एंड मैं शायद ये चौथी बार बोल रही हूँ कि मुझे काफी ज्यादा प्यारा ये टॉप लगा। प्यारा ना मेरी प्यारा जो प्यारा जो वर्ड है मेरी डिक्शनरी में अब ये ऐड हो जाना चाहिए एज अ मोस्ट सिग्नेचर वर्ड ऑफ माइन, जो मैं हर टाइम यूज करती हूँ। तो हाँ काफी ज्यादा प्यारा ये टॉप है, आप सभी लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप। चुटकी बजाने की जरूरत नहीं थी, बट चुटकी बजा रही हूँ मैं। काश ऐसा होता ना कि मैं चुटकी बजाती हूँ और मेरे हाथ में ऐसे चीजें आ जाती है। समझ रहे हो ना? अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा हो सकता है क्या? इसके लिए मुझे जादू करना पड़ेगा। सॉरी मुझे जादू नहीं आता है गाइज। हाँ ये कर लो पहले, बट ये ट्रांजिशन तो कर सकती हूँ, इसके बाद ट्रांजिशन कर दूंगी। सो नेक्स्ट जो टॉप है मेरे पास वो ये है, एंड इस टॉप का मैंने नाम रखा है ब्लू टॉप। अगर मैं इस टॉप की पर्सनली बात करूँ तो ये टॉप इज काइंड बैकलेस टॉप, एंड पर्सनली बैकलेस जो है वो मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे बैकलेस टॉप इतना ज्यादा पसंद है नहीं। पसंद आना बहुत दूर की बात है, मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगते हैं, मेन ये है, अंगूर खट्टे हैं क्योंकि। बट ये जो टॉप था ना ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, काफी ज्यादा क्यूट कोरियन सी वाइब दे रहा था। एंड जब मीशो में मैंने ये टॉप देखा और मैंने मॉडल को देखा जिस मॉडल को उन्होंने ये टॉप पहनाया था, तो वो आई थिंक एक कोरियन ही मॉडल थी, तो हाँ काफी ज्यादा ऐसे कोरियन सी ना एस्थेटिक सी वाइब दे रहा था ये टॉप। तो मैंने मंगा लिया देखने के लिए कि कैसा लग रहा है, तो मेरे ऊपर ठीक लग रहा था। बट इसका जो बैक है वो उसकी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप सब लोग अगर चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, मॉडल का फोटो मैं लगा दूंगी। मॉडल के ऊपर अच्छा लग रहा था, मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, तो हाँ देख लीजिएगा मतलब अकॉर्डिंगली। सो इसकी अगर मैं बात करूँ टॉप की, तो टॉप इस तरीके का कुछ है, एंड ये कम्प्लीटली स्कूप नेक है। स्कूप नेक बेसिकली क्या होता है कि आगे भी उतना ही डीप होगा टॉप और पीछे भी उतना ही डीप होगा, बट इस केस में ना इन्होंने पीछे वाले पोर्शन को काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डीप बना रखा है। अगर मैं स्लीव्स की बात करूँ तो स्लीव्स जो है एकदम शॉर्ट स्लीव्स तो है, बट इन्होंने ना ये जो शोल्डर वाला पोर्शन दे रखा है ना, ये ऐसा है कि बहुत ज्यादा ये नीचे को गिर रहा था। जब मैंने इस टॉप को पहना तो मैं इसको ना फिक्स ही करते रह जा रही थी, तो इसमें बस एक ही ड्रॉबैक मुझे लगा। और 202 रुपए में अगर आपको ये टॉप मिल रहा है तो 3-4 बार पहनने के लिए ठीक है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है ये टॉप। इस तरीके का कुछ है, मटेरियल आप देख लो कम्प्लीटली ऐसा रिब्ड मटेरियल है, बट समर अप्रोप्रिएट है क्योंकि हर जगह से हाथों से आगे से पीछे से सब जगह से हवाई हवा आएगी। तो ये जो टॉप है ये आगे से कुछ ऐसा है, और आप सभी लोग देख रहे हो कितना ज्यादा स्ट्रेचेबल है, जबकि मैंने साइज मीडियम मंगाया था, मीडियम मंगाने के बावजूद भी इतना ज्यादा स्ट्रेचेबल है। ओ माय गॉड, ऐसा तो ऐसा कोई इशू नहीं आया, बट एक ही इशू था कि इसके जो शोल्डर थे ना वो बार बार ड्रॉप हो रहे थे, तो ये एक आपके लिए भी इशू हो सकता है। तो आप सभी लोग चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। एंड यस मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड 8th टॉप। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो आई लव दैट मूवी कभी खुशी कभी गम, मैंने इतनी बार देखी ना, पता नहीं कितनी बार देखी है। मैं फ्री होती हूँ तो कभी खुशी कभी गम देख लेती हूँ, अगर मैं दुखी होती हूँ तो देख लेती हूँ, ज्यादा खुश हो रही होती हूँ तो देख लेती हूँ। तो मतलब प्रैक्टिकली मेरी गो टू मूवी है वो। खाना खाते टाइम अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं मूवी देख लेती हूँ वो वाली। सो उसमें ना एक डायलॉग है, शाहरुख खान बोलता है करीना कपूर से पीछे का काम गया, वो बोलती है जीज इट्स बैकलेस। तो ये जो टॉप है थोड़ा थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट मिल रहा होगा, ये बैकलेस नहीं कम्प्लीटली बैकलेस है, मतलब उसमें ना पीछे से कैसे वो दे रहे
रखा है बांधने के लिए, बांधने वाला सिस्टम है उसमें, ऐसा पूरा टॉप टॉप टाइप का भी नहीं है। सो यार से हेलो टू द परफेक्ट बिकिनी टॉप, ये है मेरे पास। तो ये जो पैकेट था ना, इन्होंने ना मुझे इस टॉप के साथ, ये जो टॉप नहीं लग रहा है, मेरी मम्मी बोली कतरा मम्मी देख रही होगी तो सॉरी मम्मी, मैं तुम्हारे सारे पोल खोल रही हूँ, मम्मी इसको देख के बोलेगी ये कातरा क्या मंगा लिया है। तो इसमें ना मुझे एक ये टॉप मिला था एंड ये ऐसे इन्होंने एक स्क्रंची दे रखी है जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो स्क्रंची को छोड़ते हैं, टॉप में आते हैं। तो जो टॉप है ना ये इस तरीके का कुछ है, देख लो गाइज। डेफिनेटली ये जो टॉप है ना, ये टॉप मेरे लिए तो नहीं बना है बिकॉज आई एम वेरी मच हैवी बस्टेड। तो कैसे मैंने इस टॉप को पहना है, कैसे मैंने बिना किसी हेल्प के, बिकॉज मैं अकेले रह रही हूँ, आई डोंट नो कि मैं कैसे इसमें फिट हुई हूँ, बट स्टिल किस तरीके से मैंने इसमें फिट होने की कोशिश करी और इसका ट्राई ऑन भी शूट कर दिया। तो हल्का हल्का जो भी मैंने वीडियो बनाई वो वीडियो साइड में ट्राई ऑन में ऐड कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। एंड अगर मैं इस टॉप की बात करूँ तो ये टॉप ना थोड़ा सा रिवीलिंग नहीं है, बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है। और रिवीलिंग होने के साथ साथ ना ये टॉप मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा, काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा था। इफ इन केस कभी मुझे भविष्य में अगर परमिशन मिली मेरे मम्मी पापा द्वारा, बुआ द्वारा, कि मैं गोवा जाऊं घूमने के लिए, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं इस तरीके के टॉप को कुछ ट्राई करूं। इफ इन केस अगर आपको ऐसे टॉप पहनने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस इसका मुझे क्या पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज मुझे इसका प्राइस पड़ा है। और 349 में अगर ये इस तरीके का स्टाइल दे रहे हैं विद दिस पैटर्न, विद दिस प्रिंट, इतने ज्यादा प्यारा से इन्होंने ऐसे प्रिंट दे रखा है, तो हाँ इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर मैं इस टॉप की पर्सनली बात करूँ तो इसमें काफी ज्यादा और ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, बहुत ज्यादा टॉप्स अलग अलग तरीके के थे उसमें। अभी आने वाली वीडियोस में उन टॉप्स को ट्राई करूंगी, उन टॉप्स को रिव्यू करने की ट्राई करूंगी अगर मुझे मौका मिला तो। तो ओवरऑल अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो अगर हम इस चीज को साइड करने की ये काफी ज्यादा रिवीलिंग है, तो ये टॉप काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। पर्सनली मेरा इस टॉप पे दिल आ गया एंड मटेरियल इसका सही है। तो अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, आप सभी लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। 350 रुपए में अगर आपको इस तरीके का कुछ बिकिनी टॉप मिल रहा है तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपको पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गॉर्जियस लेडीज एंड उनके हैंडसम मैन लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू गाइस डिड तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, और इवन अपने पड़ोसियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो अपने आप को प्लीज हाइड्रेटेड रखिए। एंड हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय बाय।